मैं प्रशांत कुमार, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर से। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कल मंडे को जो मार्केट में इतनी वोलाटिलिटी थी उसमें आप सेफ साइड ट्रेड कैसे करेंगे। तो मैंने एक अच्छा गुड रिटर्न्स भी हासिल किया है और एक लो रिस्क के साथ, क्योंकि मार्केट है अगर ऊपर की तरफ अचानक से जाता है तो नीचे भी आ सकता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा और आपको बताऊंगा कि हेजिंग के फ़ायदे क्या हैं। प्रॉफिट का एक लिमिट है बट लॉस का भी एक लिमिट है। सो लेट्स स्टार्ट, चलिए दिखाते हैं मैंने कल कैसे ट्रेड किया। सपोज़ और मैं अपना ट्रेड को कैलकुलेट करने के लिए ऑप्स्ट्रा डिफाइनेज का इस्तेमाल करता हूं, आप किसी का भी कर सकते हैं। मैं किसी वेबसाइट या चैनल को प्रमोट नहीं कर रहा हूं फिलहाल। जैसे कि आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन के ऊपर ऑप्स्ट्रा का वेबसाइट ओपन है। इसमें मैं ऑप्शंस में जाऊंगा, ऑप्शंस में जा कर के स्ट्रेटजी बिल्डर, और कल न्यूज़ थी कि HDFC बैंक और HDFC का मर्जर होने वाला है तो वो गैप अप खुला ही था HDFC 5%। तो मैंने इंस्टेंट ट्रेड जो लिया था वो कुछ ये हैं। जैसे HDFC बैंक का मैंने कल ट्रेड लिया था, सबसे पहले मैंने इसका फ्यूचर लिया था 9:15:20 पे 1602.95 रुपये पे मैंने ये लिया था, और क्विकली मार्केट 1640 के पास जाकर जब रिवर्स हो रहा था तो मैंने एक SL लगाया था, जो SL ट्रिगर हुआ मेरा 1626 पे। और मैं उस टाइम पे लगभग 12,000 रुपया कमा चुका था। और उसके बाद मैंने फिर और भी पोजीशंस बनाई थी। मैंने फिर HDFC का फ्यूचर फिर से बाई किया था, इस टाइम मैंने 1599.80 रुपये पे मैंने बाई किया था 1592.8, क्योंकि मार्केट एक बार नीचे से आके फिर ऊपर की तरफ जा रहा था। तो एक जगह बैठे रहने से अच्छा है कि स्कैल्प्स करते रहें। और इसके बाद मैंने फिर 10 पॉइंट लेके इसको इस पोजीशन को मैंने क्विट किया था 1626 पे। इसके बाद मैंने फ्यूचर बताया आपको, जैसे कि 1592.80 रुपये पे मैंने एंट्री ली थी और 1601.05 रुपये के मेरा TSL कटा था, क्योंकि मूवमेंट थी अचानक से नहीं थी, धीरे धीरे ऊपर नीचे होते रहती है। उसके बाद मैंने थोड़ा कम रिस्क लेने के लिए HDFC का 1600 का पुट मैंने सेल किया था। ये सेल किया था मैंने 44.45 रुपीज़ पे, और इसको मैंने स्क्वायर ऑफ किया था 35 रुपीज़ पे। उसके बाद मैंने, ये तो नेकेट पोजीशन था क्योंकि बाज़ार में मोमेंटम था तो मैं लाइव कर रहा था, और ये ट्रेड मुश्किल से 15 मिनट का ट्रेड है जो मैंने किया था, और 15 मिनट मैंने लगभग 22,000 रुपये मैंने अपना रेवेन्यू जनरेट किया था। उसके बाद मुझे सेफ साइड अगर ट्रेड करना था तो मैं इसी के रिस्क के पैसे, इसी अर्निंग के पैसे से ही आगे भी रिस्क ले सकता हूँ और खेल सकता हूँ, क्योंकि इसे मुझे अभी अपने जेब से कुछ प्रीमियम नहीं पे करना पड़ेगा। जब HDFC बैंक में दोबारा से तेज़ी आई तो मैंने वापस से HDFC का एक फ्यूचर बाई किया, और इस टाइम मैंने 1640.45 रुपये के रेट में मैंने बाई किया था। और जब इसके साथ साथ मैंने
HDFC का 1500 का पुट भी बाय किया था, HDFC का 1500 का पुट बाय किया था मैंने 12.60 रुपये पे। ये इसलिए कि ताकि हेज हो सके और मुझे मार्जिन कम देना पड़े। उसके बाद मैंने HDFC का 1640 का पुट सेल किया था, इसको मैंने 55.05 रुपये पे सेल किया था, और साथ ही मैंने एक 1640 का कॉल भी सेल किया था, ताकि मार्केट अगर नीचे रिवर्स जाता हो 50.90 रुपये में मैंने इसको सेल किया था। ये इसलिए किया था कि अगर मार्केट मेरे फेवर में नहीं जाता है तो एक रेंज बाउंड है कि अगर मार्केट मेरे हिसाब से नहीं जाता है और अगर ये 1600 से नीचे आता है, 1570-1575 के आसपास मैंने अपना अलार्म लगाया था, उसमें अलर्ट्स क्रिएट किया था कि अगर इस रेंज में आता है तो मैं अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लूँगा, अदरवाइज ऊपर की तरफ मार्केट जहाँ जाएगा तब तक मैं बना रहूँगा। आप देख पाएंगे कि जैसे ही आपको मैं HDFC बैंक का चार्ट दिखाता हूँ, ये आप HDFC बैंक का फ्यूचर का चार्ट देख पा रहे हैं। मैंने ये ट्रेड लगभग इस टाइम पे बनाया था 1640 या इस रेंज पे मैंने वो ट्रेड, जब मार्केट थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेशन में था तो मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया था, और मैंने ये अपना टारगेट लाइन सेट किया था और ये अपना स्टॉप लॉस था कि अगर इस लेवल पे आता है तो फिर मैं अपने ट्रेड को एग्जिट करने के लिए प्लान करूँगा। और जैसे ही ये दो कैंडल जनरेट हुए यहाँ पे, मेरे को सिग्नल मिला 1680, जैसे ही 1700 के आसपास ये गया था मैंने अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया, और वो बताता हूँ मैं आपको कि मैंने अपना पोजीशन को कितने कितने रेट में स्क्वायर ऑफ किया। मैंने 1640 में जो फ्यूचर बाई किए थे उसको मैंने 1691.05 रुपये में स्क्वायर ऑफ किया, जो मार्केट का रेट चल रहा था। उसके बाद 1500 का जो पुट है उसको मैंने स्क्वायर ऑफ किया था 10.30 रुपये पे, 1640 का जो कॉल था इसमें मेरे को लॉस बेयर करना पड़ा था, इसका मुझे लॉस कटा था क्योंकि मैंने इसको 88.30 रुपये पे निकाला। इसको लॉस इसलिए मैंने इसमें बेयर किया क्योंकि मार्केट मेरे फेवर में ही जाए इसकी गारंटी नहीं है, मार्केट रिवर्स आ सकता है बट इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है कि आएगा ही नीचे। और ये 55 रुपीज़ पर जो मैंने सेल किया था इसको मैंने 36 रुपीज़ पे एग्जिट किया था। तो कुल ये मेरा ट्रेड था कल का, जो कि आप देख पा रहे हैं कि एक अच्छा प्रॉफिट है। अगर आप 3 लाख के कैपिटल में 10% ROI जनरेट कर रहे हो एक सिंगल डे में तो ये बहुत बढ़िया है। ये है, इसके बाद मैंने थोड़ी सी गलती भी करी है जहाँ मेरा एक लॉस कटा था, और बेटर है कि अपना लॉस भी लोगों को बताना है। ये 38,885 मेरे पास अर्निंग होने के बाद, वो मेरी गलती भी नहीं थी, शायद उस ब्रोकिंग कंपनी का वेबसाइट का प्रॉब्लम था या जो भी था, मैंने उसके लिए कंप्लेंट डाली हुई है। इस पर जब मैंने पोजिशन एग्जिट की थी फिर मुझे पता भी नहीं चला और कब मेरा पोजीशन HDFC बैंक का फ्यूचर को शॉर्ट कर गया, और इस टाइम ये 1690.80 रुपये पे ये पोजीशन मेरा शॉर्ट हो गया था। अब ये पोजीशन मेरा शॉर्ट हो गया था, हालांकि मार्केट बाद में रिवर्स हुआ था लेकिन मैंने अपना अर्निंग रेशियो से ज़्यादा पैसा बना लिया था, तो बेटर है कि ट्रेड से निकल जाना, ज़्यादा ग्रीड नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा ग्रीड अगर होता है तो डेफिनेटली वहाँ पे लॉसेस भी ज़्यादा होते हैं। और इस ट्रेड को मैं तुरंत ही एग्जिट किया था 1704.70 रुपये पे।
इस पे मैंने अपना ट्रेड एग्जिट किया था और मेरा थोड़ा सा लॉस हुआ था इसमें अराउंड 7,500 रुपये का, और ओवरऑल मैंने 31,240 रुपीज़ मैंने इसमें बाई किया था। तो ये था मेरा ट्रेड जो कि कल मैंने मूवमेंट क्लीन किया था, और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आयरन फ्लाई के क्या फ़ायदे होते हैं, मार्केट अगर बुल रन पकड़ता है या बेयर रन पकड़ता है तो आपको एक लिमिटेड लॉस के साथ कैसे आप ट्रेड कर पाएंगे, जैसा कि मैंने पहले भी आपको आयरन फ्लाई में बताया है। तो वेट टिल माई नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में मैं अपना वो स्ट्रेटजी भी आपको दिखाऊंगा जहाँ पे एक मिनिमल लॉस के साथ मार्केट अगर ट्रेंडिंग है तो वहाँ पे आपको एक मिनिमल सा लॉस बेयर करना पड़ेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे आप लोग अगर मार्केट में न्यू हैं और सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर जो कि NSE द्वारा एफिलिएटेड है, उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरे लिंक के थ्रू भी जा सकते हैं, और ई लर्न मार्केट वेबसाइट आप जानते भी होंगे शायद, वो कंपनी है लर्नर विवेक बजाज सर की जो ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं और लोगों को काफ़ी सपोर्ट करते हैं। उनके कंपनी द्वारा आप सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं जिसमें आप ऑफिशियली जो एक ऑथराइज ट्रेडर बन सकते हैं, एक ऑथराइज ऑप्शन सेलर, ऑप्शन बायर, हर चीज़ का कोर्स है वहाँ पे। आप अपने अकॉर्डिंग कोर्स कर सकते हैं और चूज़ कर सकते हैं, और मुझे खुशी होगी कि अगर आप सीखेंगे तो सीखना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बिना सीखे तो कुछ भी नहीं हो सकता अभी के टाइम में। आप केवल लॉस बेयर करोगे, प्रॉफिट की गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता है। तो मैं कोर्सेस के लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये आपकी विशेष है। अगर आप मार्केट में खुद से ट्रेड करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है, आप मुझे फॉलो करते रहें, मैं अपनी स्ट्रेटजी ऐसे शेयर करता रहूँगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपना सुझाव हमें दें, अगर हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग में या हमारी स्ट्रेटजी में कोई कमी रहती है या कुछ गलत हो जाता है तो प्लीज़ सजेस्ट करें, मुझे रिप्लाई करें, कमेंट करें, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं ताकि बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिल सके। और मेरे प्रीवियस वीडियो के लिंक्स भी मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन, मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं, और मेरा फेसबुक पेज भी मैंने क्रिएट किया है, आप उस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल भी है ऑलरेडी, मैं वहाँ भी शेयर करता हूँ, और टेलीग्राम पे भी मैंने चैनल बनाया है नॉट फॉर प्रोवाइडिंग कॉल्स एंड पुट्स फॉर बाइंग एंड सेलिंग, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिए मैंने एक चैनल बनाया है जहाँ पे मैं अपने स्ट्रेटजी का वीडियो का लिंक शेयर करता हूँ, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं उसको वहाँ पे शेयर करता हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ शेयर वीडियोज विथ ऑल न्यू वाइब्स ताकि वो अपना लॉस बचा सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप फॉलोइंग मी, कीप इन टच विथ मी, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, थैंक यू।